हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 26 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। ऐसे ऐसे एकांकी पाठ का नाम है, भाग 6। आज हम इसका डिस्कस करेंगे। डेट इस वर्कशीट की बच्चे 24 दिसंबर 2020 की जो आपकी मैथ की वर्कशीट है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बच्चों ने नहीं किया है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो आपकी ये 24 तारीख की वर्कशीट है, जो आपकी से नेक्स्ट वर्कशीट है 25 दिसंबर की, वो आपकी बार नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है आपके क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के कारण वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आप आपकी बार क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। और जो आपकी 26 दिसंबर की वर्कशीट है, मुझे दिखने में आ रहा है कि कई बच्चे वो 26 दिसंबर की वर्कशीट यानी कि सैटरडे की वर्कशीट पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है बच्चों का। मैं जानना चाहूँगी क्यों, कि क्या बच्चों को मेरी वर्कशीट मिल नहीं पाती या टाइम पर नहीं मिल पाती। तो वो सब मुझे अपना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, क्योंकि सैटरडे को आपकी कॉमन वर्कशीट सिर्फ एक ही आती है बच्चों। 6, 7, 8 सभी क्लासेस के एक ही वर्कशीट आती है, कॉमन सब्जेक्ट पे आती है। तो आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आज ही शाम को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस वर्कशीट को कंप्लीट कर ले। और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर आपको वर्कशीट को लेकर आता है सैटरडे की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर जी ने ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की। तो हमने जाना कि पिछले वर्ष में क्या था, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था और ऐसे ऐसे बीमारी जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की थी। ठीक है, हमने पढ़ा था कभी वो कब्ज कह रहे, कभी कह रहे फोड़ा हो गया, कभी कह रहे बदहजमी। तो इस प्रकार की सारी आशंका डॉक्टर ने व्यक्त की थी। और दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं दवा भेज दूँगा तो उसे खाकर मोहन क्या एकदम ठीक हो जाएगा। पड़ोसी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्र में पढ़कर जाने। और आज क्या हुआ कि पड़ोसन आएगी तो वो देखते हैं क्या क्या होता है उसमें। तो देखते हैं, डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और पड़ोसी आती है। ये क्या हमारा सीन का दृश्य है। तो पड़ोसी आती है, पूछती है क्यों मोहन की माँ कैसा है। मोहन तो पूछती है कि मोहन की माँ मोहन कैसा है। तो माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, उसको रामू की काकी के नाम से पुकारा जाता है, कि ऐसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द किया है, लड़की का बुरा हाल कर दिया। तो मोहन की माँ कहती है, पता नहीं ऐसे ऐसे दर्द क्या होता है, इस दर्द ने तो मेरे बेटे का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसन कहती है, ना जी इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। तो पड़ोसी कहते हैं कि पता नहीं आजकल कितनी बीमारियाँ आ गई हैं, नए नए दर्द आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी निकल के आती है और वो सारे दिन हमें परेशान करके रखती है, बुखार भी अलग अलग टाइप के आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल का जो खान पीन है वो ऐसा नहीं रहा जो हमारी सेहत बनाए, वो क्या करता है हमारे जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाते हैं। तो ये सारी बात कौन कहती है, पड़ोसन कहती है बच्चों। तो माँ फिर कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा है हमें कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था। तो कहती है कि डॉक्टर ने तो मुझे बदहजमी बताई है, बेटे को बदहजमी है, लेकिन बदहजमी कैसे हो सकती है, क्योंकि आज जब ये मोहन अपने पापा के साथ गया था तो ये सिर्फ रोटी ही खाकर गया था, और लेकिन उसने वहाँ भी कुछ नहीं खाया, मतलब रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया। तो आजकल तो बिना खाए बीमारी होती हैं। तो कहती है कि आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारी हो गई हैं, कुछ उल्टा पुल्टा ना भी खाओ तब भी क्या है बीमारी आ जाती हैं। अब बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। और इसके बाद क्या होता है, उसके जो मास्टर जी होते हैं मोहन के, वो आते हैं। माँ कहती है, ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए। तो उनका स्वागत करती है, कहती कि आप आ जाइए। तो अब हम करने इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसी ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की थी बच्चों। तो क्या बताया था उसने, कि कुछ नई बीमारी लगती है। ठीक है, तो उसने कहा पड़ोसी ने कोई नई बीमारी होने की आशंका व्यक्त, उसने कहा कि कोई नई बीमारी होगी और उस बीमारी का हमें कोई कुछ पता नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारी आती है क्योंकि आज का खान पीन ऐसा हो गया है। तो आप सिंपली एक लाइन लिख देंगे इसमें कि नहीं, कोई नई बीमारी होने की आशंका उसने व्यक्त की बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट का। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं,
राम मारी बीमारी ने तंग कर दिया है, मेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो इट मीन्स क्या कि आपको ये तीन पंक्ति दी गई है, इनको आपको नया मीनिंग बताना कि इनको हम सिंपल वे में कैसे कह सकते हैं। क्या हमारी लोकल लैंग्वेज की भाषाएं हैं, तो इनको हम देखते हैं कैसे बोलेंगे हम इनको। तो इसका आंसर बच्चों, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं। नेक्स्ट का है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। और दाढ़ी वाले का आंसर था बच्चों, तुम तो बहुत चालाक हो। तो ये आप तीनों पॉइंट इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, संकट के समय तुम पुलिस से कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखे। तो आप अगर आपके ऊपर कोई संकट है तो आप पुलिस से कैसे बात करोगे, तो देखते हैं। तो फर्स्ट आप बोलोगे, हेलो पुलिस, हेलो पुलिस, मैं अदिति बोल रही हूँ। ठीक है, मान लो आपका नाम अदिति, तो आप अदिति बोलेंगे, मेरा नाम नहीं है, किस बच्चे का नाम है। ठीक है, तो पुलिस कहेगा बोलिए। ठीक है, तो पुलिस क्या कहेगा, बोलिए। तो मैं कहूँगी, मेरे यहाँ पर घर की भर चोरी हुई है। ठीक है, तो आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं पुलिस को बुलाया, तो पुलिस कहेगी हमें अपने घर का पता बताइए, हम आ रहे हैं। तो पुलिस कहेगी हमें अपने घर का पता बताइए कि हम आ रहे हैं। तो आगे क्या होगा, मैं कहूँगी मेरा घर डैश रोहिणी में, अपना घर का पता लिख देंगे कि बी कुछ भी आपका 267 जो भी आपका ऐसे लिख देंगे कि मेरे घर का पता रोहिणी में है, आप जल्दी आ जाइए। तो मैं यही कहूँगी, तो पुलिस कहेगा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो हमें कहूँगी ठीक है। तो ये सारा संवाद हमारा, किसी भी मुसीबत के समय हम ऐसे ही बात करेंगे कि हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, और हम अपना घर का एड्रेस भी उन्हें बताएंगे ताकि वो टाइम के लिए हमारी मदद के लिए आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस वर्कशीट का, माँ ने पड़ोसिन के बारे को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। तुम पड़ोसिन के को मोहन की माँ ने क्या क्या बताया था, देखते इसमें। माँ ने पड़ोसिन को बताया कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं ऐसे ऐसे दर्द क्या है, इस दर्द ने मोहन का बुरा हाल किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, लेकिन इस दर्द का पता नहीं क्या क्या नाम है, और इस दर्द ने मेरे बेटे मोहन का बुरा हाल किया हुआ है बच्चों। तो ये सारी वाक्य कौन कहती है, उसकी माँ उसकी पड़ोसिन को कहती है। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमने ये वाली कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, पसंद आई, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बच्चों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो मिलती रहें। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी बच्चों वीडियो को के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये आइकन क्या ब्लैक हो जाएगा, तब आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप कॉल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 6 to 8 कॉमन वर्कशीट सैटरडे की जो है, आपको क्या डाउट क्या प्रॉब्लम है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आपको वर्कशीट का डिटेल आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।